तो देश की रक्षा की जब भी बात आती है तो भारत के वीरों को, वीर सैनिकों को हमेशा से याद किया जाता है, क्योंकि उन पर जिम्मा होता है देश की रक्षा का, सुरक्षा का। और ऐसे में अब ये अग्निपथ योजना है, उसका मकसद यहां पर यही है कि देश को एक युवा शक्ति के तौर पर जो सैनिक है वो मिले। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी, और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जय हिंद सर। सबसे पहले अमरदीप त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के तौर पर इसे देखा जा रहा है, एक बदलाव की जरूरत थी काफी लंबे समय से। और जैसा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के, तीनों सेनाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि ये नीड थी और एक बहुत लंबी रिसर्च के बाद ये आखिरकार फैसला लिया गया है। सर किस तरीके से आप भविष्य में भारतीय सेना या युवा सेना को हम देख सकते हैं? देखिए परिवर्तन जो है संसार का नियम है, समय से हर सिस्टम में परिवर्तन किए जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा अभी आपने भी बताया और जनपुरी का आप स्टेटमेंट अभी सुना रहे थे, उसमें भी सुना कि फॉर लॉन्ग टाइम आर्मी वांटेड टू डू समथिंग, बिकॉज समय के हिसाब से आर्मी को जैसे कारगिल की युद्ध जवानों का फाइट था वो ओल्ड एज का था, ओल्ड एज में उस लड़ना नॉट इजी। तो तभी से स्टडी चल रही थी कि किस तरह इसको रिड्यूस किया जाए। इनफैक्ट कमांडिंग ऑफिसर जो एज प्रोफाइल में चेंज किया गया, पहले कमांडिंग ऑफिसर 20-22 साल की सर्विसेज वाले होते थे, 45-50 साल की एज तक के कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे, लेकिन आज की डेट में 13-14 साल की एज में जो है कमांडिंग ऑफिसर बन रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। उसी तरह जवानों की एज प्रोफाइल को भी चेंज करना था, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है और इसमें अग्निवीर को भर्ती किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। देखिए अमरदीप जी आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे मेरा सवाल यहां पर यही है, क्योंकि जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है और अन्य कई जो विकासशील देश है उनके वहां पर भी इसी तरीके जो सैनिकों की भर्तियां हैं वो यहां पर की जा रही है, जिस दिशा में अब भारत भी जो है आगे बढ़ रहा है, अब क्या लगता है सर कितना ज्यादा फायदा जो है वो होने वाला है या होने जा रहा है, और ये इसे किस तरीके से भारतीय सेना में या भारतीय तीनों जो सेनाएं हैं उसमें एक बहुत बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा सकता है? अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जनता टीवी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष और जनता के समक्ष आने का मौका दिया। जी अंजलि जी एक मेरी रिक्वेस्ट है यूथ से, बिल्कुल, कि आप कोई रिप्रेजेंटेशन करें, आग से नहीं ना करें, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। बिल्कुल। इस प्रकार के जो एजेंट, चाहे वो चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज के भड़काया हुआ यूथ है, या कोई एजेंसीज हैं, या ये कोचिंग सेंटर्स के भड़काए हुए यूथ हैं, इन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। बिल्कुल। दूसरा, आपने पूरे वर्ल्ड में देखा है 71 वॉर भी 7 साल की नौकरी वालों ने लड़ा है और जीता है, इससे बड़ी लड़ाई हमने आज तक नहीं जीती है। जी। तो अगर तीनों चीफ ने फैसला लिया है, कोई सोच समझ के लिया होगा। बिल्कुल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल वगैरह भी इस प्रकार की नीति अपना रहे हैं। जी। पहले फौजियों को ट्राई तो करने दो। इसमें दो कमियां थी, एक तो एज कम थी, उन्होंने एज रिलैक्स कर दिया 2 साल। ठीक। दूसरा, आने के बाद आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आपको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी। 10% डिफेंस सेक्टर है, 10% सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट इज वर्किंग टू टेक दिस पीपल। तो अंजलि जी इनको एक मौका देना चाहिए फौज को, और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और यही यहाँ पर वजह है कि इस पूरे जो अग्निवीरों की जो पूरी स्कीम है, जो योजना है अग्निपथ योजना, उसको लेकर भी लगातार बार बार तीनों सेनाओं की तरफ से भी ब्रीफिंग जो है वो कल की गई है।
अमरदीप जी माफ कीजिएगा, इससे पहले आपको रोकना पड़ा था क्योंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज आपकी नहीं आ पा रही थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलें तब होती हैं जब कोई भी जो सैनिक है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाकर, जो हाई एल्टीट्यूड जगह होती है वहां पर अपनी ड्यूटी देता है, जिसका जिक्र भी कल ब्रीफिंग में किया गया था। और यही वजह है कि वहां पर जो यंग ब्लड है, जो भारत के युवा है, अगर उन्हें इस स्कीम के तहत उन्हें भर्ती किया जाता है तो जाहिर तौर पर एक दिशा भी मिलेगी और साथ ही साथ भारतीय सेनाओं में युवा शक्ति जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज कि अन्य देशों की तरह ही भारतीय सेना में भी जो एक जज्बा है वो यहां पर देखने को मिलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। जी, जैसा आपने भी बताया और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, देखिए किसी भी क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए आपको यंग ब्लड चाहिए, बिकॉज एक एज के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट इन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। उसके अलावा आदमी का मेंटल स्टेटस भी चेंज हो जाता है, तो एक ये एज प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चार साल करने के बाद जो 25% एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो 75% जो जवान जो समाज में आएंगे, वो फौज के इथोस, फौज का डिसिप्लिन, फौज का जो टीम वर्क करने का जो टीम कल्चर है वो इस समाज में लेके आएंगे। और हमारा आने वाला समाज जो है एक वेल डिसिप्लिन वेल ग्रूम समाज होगा, और किसी भी इवेंचुअलिटी में कभी भी जरूरत पड़ सकता है तो देश के पास कितनी बड़ी एक मैन पावर होगी जिसको आप ऑन वन कॉल यू कैन कॉल फॉर द ड्यूटी। आप देखिए आज का जिस तरह का वैश्विक माहौल चल रहा है, इसराइल और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे समय में एक एक जवान एक एक सिविलियन को भी लड़ने का तजुर्बा होना चाहिए, तभी वो ऐसे दुश्मन से लड़ सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी मैन पावर होगी आफ्टर सर्टेन इयर्स कि जिसको कभी ऐसे जरूरत पड़े तो हम उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो फौज का वर्किंग कल्चर है वो बहुत अच्छा है, जो जिस तरह हम फौज में काम करते हैं उस तरह का माहौल जो है वो सिविल डिपार्टमेंट में भी आएगा। जैसे पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिविल में पिछले कुछ समय से जब से मैंने रिटायरमेंट लिया है मैंने देखा कि सिविल में जो है टाइम का टाइम मैनेजमेंट कुछ होता ही नहीं है, कोई टाइम कुछ इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। लेकिन जब वो अग्निवीर इस समाज में आएंगे तो वो पंक्चुअलिटी लाएंगे, कहीं पे कोई गलत काम होता दिखेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी होता रहे, कहीं किसी से कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो बोलने को तैयार नहीं होता, लोग खड़े होकर वीडियो बनाते रहते हैं, बट वो अग्निवीर ऐसे होंगे जो वहां पर आकर उसको रोकेंगे, कोई गलत काम नहीं होने देंगे। बिल्कुल 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 सर, लौटूंगी आपके पास रणजीत सिंह जी, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी होगा, अगर तमाम देशों को देखा जाए और एक्टिव सैनिकों की संख्या में अगर उस कड़ी में देखा जाए तो चीन के बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन अब जो ये एक स्कीम लाई गई है उससे जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा बूस्टअप भारतीय सेना को मिलेगा एक्टिव सैनिकों की इस गिनती में, इस काउंटिंग में। तो अब आगे किस तरीके की स्थिति जो है भारतीय सेना को लेकर, क्योंकि अगर भारतीय सैनिकों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर विश्व में भारत का डंका जो है वो बोलता है और भारतीय सेना जो है उसकी ताकत जो है हर कोई जानता है, लेकिन ये एक्टिव सैनिकों की संख्या में भी अब इजाफा जो है वो इस स्कीम के तहत या स्कीम के बाद देखने को मिलेगा। देखिए अंजलि जी, वैसे तो दो साल से कोरोना की वजह से 2 लाख के तकरीबन फौज की कमी है, 50,000 हर साल भर्ती होते और 50,000 रिटायर होते हैं, रिटायर हो रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रहे, तो ये एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। लेट अस होप कि फौज इसको जल्दी ही फेज वाइज पूरा करे, नंबर वन। सेकेंडली, जब जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया ताकि जी ने कि यंग फौज लड़ती है, कारगिल वार में सर ने भाग लिए, इन्होंने देखा है कि कैसे स्टीप पर चढ़ाई पे एक यंग आदमी तो जल्दी चढ़ेगा और बुजुर्ग आदमी देर से चढ़ेगा, तो जितनी यंग आर्मी होगी उतनी फाइटिंग स्किल, फाइटिंग स्पिरिट, उतना डेडिकेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्टेमिना, मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना उतना ज्यादा होगा, और देशभक्ति की भावना तो हर उसमें होती है, यंग में भी और मैच्योर में भी, नाम नमक और वो पलटन का निशान है वो जज्बा फौज तैयार कर देगी इनमें। हालांकि शुरू में 2.5 साल के लिए फौज में होंगे, 1 साल के लिए छुट्टी पे होंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, तो 6 महीने में भी इनमें वो रेजिंग डे, बैटल ऑनर्स डे, नाम नमक निशान का जो जज्बा है, लड़ने का जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो फौज तैयार कर देगी। और हमारे यंग कैप्टन के साथ ये रहेंगे तो उनमें बहुत जबरदस्त जज्बा है, जहां पर भी हमारे यंग कैप्टन और मेजर्स की पोस्टिंग हुई है आपने देखिए
उन्होंने कितना जबरदस्त चमत्कार किया है देश के लिए, अपनी जान देने में उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। बिल्कुल, और इसमें एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनमें से सिलेक्शन जो है 25% का किया जाएगा, जिन्हें आगे प्रमोट किया जाएगा कि वो आगे सेना में अपना जो काम है वो जारी रखें। बिल्कुल ठीक है, ये जो 25% है ये ऐड होते रहेंगे और अभी भर्ती बढ़ेगी, जैसा कि हमारे जंग साहब ने बताया था कल 80,000 एक लाख भी भर्ती हो सकती है, तो उसमें डबल हो जाएगा फिगर, 50% हो जाएंगे तो रह जाएंगे उतने जी, तो इसलिए वो ऐड होता रहेगा जी। अमरदीप त्यागी जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगी अमरदीप त्यागी जी, क्योंकि जाहिर तौर पर कई बड़े बदलाव जो है वो हुए हैं, सीडीएस का पद नियुक्त करना, उसके बाद थिएटर कमान की बात यहाँ पर की गई, वो एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा गया तीनों सेनाओं में, और अब ये जो बड़ा बदलाव जो है अग्निपथ योजना लाकर ये यहाँ पर किया गया है, यानी ये स्पष्ट है कि वक्त के साथ साथ जो एक रिफॉर्म की बहुत पहले से जरूरत भारतीय सेना में रही है वो अब 2022 में यहां पर देखने को मिल रही है, और शायद यही वजह है कि आगे आने वाले समय में भारतीय सेना एक ताकतवर सेना के रूप में पूरे विश्व में जानी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कभी भी कोई योजना कोई भी फौज में इंप्लीमेंट किया जाता है जी, ये एक दिन का अफेयर नहीं होता है कि आज किसी का मन किया और ये नई योजना लेके आ गए, प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है आर्मी हेडक्वार्टर लेवल से लेके नीचे ग्रास रूट लेवल तक, उसका फीडबैक रेटिंग में लिया जाता है कि ये इस तरह की योजना इंप्लीमेंट की जा रही है और क्या इस तरह इंप्लीमेंट करने से फौज में क्या इफेक्ट आएगा, फौज की क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी, जो वर्किंग कल्चर में क्या चेंजेस आएंगे वो सब देखा जाता है, उसके बाद ये रिकमेंडेशन होती है कि ठीक है इस योजना को लागू किया जाए। तो ये कोई अब्रप्टली कोई योजना इंप्लीमेंट नहीं की गई है, इसको बहुत समय से ऑब्जर्व किया गया है, वर्किंग कल्चर को स्टडी किया गया है, जो हमारा एनवायरमेंट है स्ट्रेटजिक एनवायरमेंट है, बॉर्डर का एनवायरमेंट है, एलएसी का एनवायरमेंट है, एलएसी का एनवायरमेंट है, उन सबको स्टडी करने के बाद जो हमारे जवानों का ऑफिसर्स का जो एज प्रोफाइल है उस सबको स्टडी करने के बाद ये योजना इंप्लीमेंट की गई है। इसका जो विरोध मुझे लग रहा है जो हो रहा है वो जवानों तक, जो यूथ है देश का उस तक इस बात को पहुंचाया नहीं जा रहा है, और जो पहुंचाने वाले लोग हैं वो उसको भ्रमित कर रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, हमारे जवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत गलत काम है, और जो जवान इस तरह के कार्यों में लिप्त है मैं ये समझता हूँ कि वो फौज में या जो हमारा जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें आने लायक ही नहीं है, क्योंकि फौज में इस तरह के जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं उनकी कहीं जगह नहीं है, यहाँ तो वेल डिसिप्लिन और देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों की आवश्यकता है, ये खाली एक एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो देखो ठीक है, यदि वो देश के लिए काम करेंगे तो देश भी उनका ख्याल रखेगा, लेकिन वी कैन नॉट डिमांड इट बिकॉज इट इज बीइंग गिवन ऑटोमेटिकली बाय द कंट्री एंड बाय द गवर्नमेंट। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में जो लोग हैं इन्वॉल्व उनका जो है आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए एंड दे शुड बी डिमांड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट ड्राइव। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ कि जिन जवानों ने भर्ती प्रक्रिया में पहले हिस्सा लिया था और किसी कारणवश वो रुका हुआ है, जैसे एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट किया गया था, उनका रिजल्ट एग्जाम भी हुआ था और वो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, दे शुड बी गिवन फेयर चांस। कुछ जवानों की भर्ती की गई थी जिनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो चुका था, उनका सिर्फ लिखित परीक्षा बाकी थी, दे शुड बी गिवन फेयर चांस एंड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट, फ्रॉम आर्मी, फ्रॉम एयरफोर्स एंड फ्रॉम गवर्नमेंट कि दे शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस, जो उनका पेंडिंग टास्क है उसको कराया जाए एंड दे शुड बी एनरोल्ड इन द आर्मी। बिल्कुल, और यही वजह यहाँ पर है कि अब इसको लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए देश की सुरक्षा का जज्बा जो है वो हर युवा में होता है, लेकिन भारत का वो युवा जो है जो इस किसी भी तरीके से अगर वो देश की रक्षा करना चाहता है तो देश का बुरा नहीं करेगा, और यही वजह है कि भारतीय सेना का मोटो जो है वो यही होता है कि देश की रक्षा जो है वो सर्वोपरि है, और एक जज्बा भरने के लिए स्कीम को लाया गया है। जनरल रंजीत सिंह जी, क्योंकि सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि अब
जब ये योजना यहाँ पर लाई गई है, आपने भी इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है कि प्रदर्शन इस तरीके के नहीं होने चाहिए, उन्हें समझना यहाँ पर चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो इन युवाओं में डर है, जो एक भय है या एक मिथ कह लीजिए इसे, वो किस तरीके से दूर हो सकता है? क्योंकि एक योजना जो लाई गई है देश के हित में लाई गई, युवाओं के हित में लाई गई, लेकिन ये मिथ कैसे दूर हो सकता है? अंजलि जी, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो जिन्होंने टेस्ट दे रखा है उनको चांस देना चाहिए, सरकार से हमारी भी बहुत से रिक्वेस्ट है, और 2 साल उम्र उनकी बढ़ाई दी है तो दे आर एलिजिबल, उनको पक्का मिलना चाहिए मौका। सेकेंडली, जैसे बार बार सभी चैनल्स हम बता रहे हैं, सरकारों को भी बताना चाहिए, और जो रॉन्ग एलिमेंट है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चाइना पाकिस्तान आपके सिर पर बैठा है, उनकी भाषा ना बोलिए, लेट इट बी पैट्रियट, लेट इट बी ट्रू पैट्रियट, देश भक्त, और इन बच्चों को समझाएं कि तुम्हारे को चांस है, अपनी तैयारी करें, भर्ती खुलने वाली है, पहले वालों को भी चांस मिलेगा, एंड टोटल ट्रांसपेरेंसी से भर्ती होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बाकियों को सिलवाने के बाद नौकरी के चांस 100% इनको नौकरी मिलेगी। अंजलि जी, 100% आई एम टेलिंग यू जी, जाहिर तौर पर। और ये पूरा जो सिनेरियो है वो यहाँ पर बात की गई है अमरदीप त्यागी जी, क्योंकि ब्रीफिंग जो थी, एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग यहाँ पर की गई, और जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि अग्निवीरों को अलग जो है चीजें की गई है, जाहिर तौर पर बहुत बड़े एक रिफॉर्म के तौर पर देखने को मिल रहा है। वक्त की कमी है नहीं तो सवाल जो है यहाँ पर बहुत सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी आपका, रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश की रक्षा और का जो जिम्मा है वो देश के युवाओं के ऊपर है, और बहुत जरूरी है कि इस तरीके की योजनाओं का सही ढंग से समझना, क्योंकि देश की रक्षा ही देश के नागरिकों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।